देश में पहली बार भोपाल में ट्रांसजेंडर्स को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। अब तक ट्रांसजेंडर्स के पास व्यक्तिगत आईडी नहीं होती थी, उनके पास आधार, वोटर कार्ड आदि दस्तावेज होते हैं, लेकिन अलग से ट्रांसजेंडर की आईडी नहीं थी। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र देने की शुरुआत भोपाल से हुई। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दो ट्रांसजेंडर्स को यह पहचान पत्र जारी भी कर दिया। अब भोपाल देश में पहला ऐसा जिला बन गया है जहां ट्रांसजेंडर्स के पास उनका पहचान पत्र होगा। भोपाल जिले में 167 ट्रांसजेंडर हैं जो वोटिंग लिस्ट में हैं। इनकी संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। जिन्हें यह जारी किया गया है उनमें संजना सिंह और जुबेर सैयद जूली शामिल हैं। वही पहचान पत्र बनने पर ट्रांसजेंडर संजना सिंह राजपूत ने खुशी जाहिर की है। संजना का कहना है कि अभी तक हमारे समुदाय के लिए कोई भी पहचान पत्र नहीं होता था, जिसकी वजह से कई मामलों में हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमें पहचान पत्र दिए हैं तो अच्छा लग रहा है। इस अधिकार को पाने के लिए 16 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी है, लेकिन अब भी समुदाय के लोगों में इसकी जागरूकता नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से और बताना चाहूँगी कि मतलब भारत सरकार ने जो एक बहुत अच्छी पहल करी है, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी जो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है, अभी तक कहीं ना कहीं जो दिक्कत आ रही थी पुरुष और महिला के बीच में, जब भी हमारा कोई फॉर्म भरना होता था हमें किसी भी चीज़ के लिए आवेदन, तो कहीं ना कहीं इसमें महिला और पुरुष होता था, अन्य या हमारा ट्रांसजेंडर कॉलम नहीं था, जिसके चलते हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। इसी को देखते हुए जो हमारा चल रहा था, काफ़ी समय से हम लोग इस चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी तक के लिए हमारी खुद की पहचान होना चाहिए, और उसी को देखते हुए भारत सरकार ने जो पोर्टल ट्रांसजेंडर पर्सन पोर्टल जारी किया, उसी के माध्यम से मैंने जो है आवेदन किया था, जो एक्सेप्ट हुआ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।